Good morning friends, today we are doing exercise 2.1. Your fifth question is, arrange the following in descending order. ये fraction आपके पास है और आपको इन्हें descending order में arrange करना है. Okay, सबसे पहले denominators का LCM लेंगे. So 3, 12, 10, 15 and 8. So 2 से divisible है, 12, 10, 10 and 8. Okay, so इन्हें divide करके write किया. जो number divisible नहीं होते, उन्हें हम as a divide करते हैं. इसी तरह से हमने LCM लिया, LCM is 120. So हमने declined row की, then 120 LCM write किया. Then LCM को denominator से divide करते हैं and जो भी answer आता है उसे numerator से multiply करते हैं. Okay? So 120 को 3 से divide किया 40 and 40 को 1 से multiply 40. इसी तरह से हम सभी fraction के लिए यह number write कर देंगे. सभी में आपको LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एंड जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, सो व्हिच इज ग्रेटेस्ट, 108. 1, 2, 3 थर्ड नंबर में है, इट मींस थर्ड फ्रैक्शन. सो 9/10. नेक्स्ट 88, सो 11/15. देन 75, सो 5/8. Then 70, so 7/12. Or in the last 40, so 1/3. जो भी नंबर है, फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए होगा, सेकंड नंबर सेकंड फ्रैक्शन के लिए. इस तरह से आपको ये वर्क करना है. नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. आपको सम फाइंड आउट करना है. 3/7 + 6/7. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. 6 + 3 = 9. बट आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज राइट करना है. सो 9/7. जब भी आपका आंसर यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उस आंसर को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग. 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, बच्चा भी होगा, 2 इज द रिमाइंडर, सो 1/2/7. नेक्स्ट, 4/3/10 + 6/1/100 + 1/5/10. यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा 2 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना. सो 10 = 40 + 3 = 43/10. ऐसे ही 100 को 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 600 + 1 = 601. तो स्टूडेंट यहाँ 61 राइट कर देते हैं. सो ध्यान से वर्क कीजिएगा. अपॉन 100, 10 बन गया 10 + 5 = 15/10. अब उसी तरह से आपको वर्क करना है. जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आते हैं आप उनका एलसीएम लेंगे इसी मेथड से. तो एलसीएम इज 100. अगेन वही बात, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. 100 को 10 से डिवाइड हुआ 10 एंड 10 को 43 से मल्टीप्लाई 430. तो इसी तरह से आपने ये टाइप करने हैं. बीच में आपका प्लस साइन है तो आप इन नंबर्स को ऐड कर देंगे. अपॉन 100, यहाँ पर इम्प्रॉपर में है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज 8/11 - 5/11. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3/11. ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज राइट किया. नेक्स्ट, 3/2/5 - 2/1/10. मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो फर्स्ट स्टेप में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए. 5 * 3 = 15 + 2 = 17/5 - 31/10. अगेन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज 10. सो 10 को 5 से डिवाइड किया 2 एंड 17 * 2 = 34. ऐसे यहां 21 सब्ट्रैक्ट देम 13/10, then convert it into mixed fraction. So answer is 1/3/10. Next, 11 - 3/1/2 - 6/1/4. So इसे simplify करना है, answer find out करना है. यहाँ denominator कुछ भी नहीं है, so upon में हम 1 write कर सकते हैं. इन दोनों numbers को हमने improper में convert कर दिया. Now LCM, LCM is 4. So 4 को 1 से divide हुआ 4 and 11 से multiply 44. इसी तरह से हमने वर्क किया. देन 44 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुआ 30, देन 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, सो 5/4. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, आंसर इज 1/1/4.